गरीबों को मार रहा है पैदल चला चला करके। क्या सरकार इसकी बनेगी दोबारा? अब नहीं बनेगी इसकी सरकार। जिंदगी की मशक्कत कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं जिनकी रोटी से दो चार हो रहा है, प्याज भूखता हम और जत्थों के तंग छोटे बच्चे हैं। खाने जगह क्वारंटीन होता तो कोई इतनी परेशानी नहीं आती। कहाँ से आ रही हैं आंटी? कब चली थी वहाँ से? साढ़े चार बजे सवेरे, सुबह 5 बजे। तो आपको कोई सवारी नहीं मिली? अच्छा, तो अभी क्योंकि सवारी कई लोग भर के गए हैं ट्रकों में, उन्हें हाथ दिया था आपने, रोका था उनको? एक ट्रक बोला है जब उन्हें, तो वो माँ ऊपर न चढ़ पाते और अंदर जगह नहीं रही। अच्छा चाचा, सरकार के बारे में आपका क्या कहना है कि क्योंकि आपकी व्यवस्था क्यों नहीं कराई सरकार? अरे सरकार जो है सुना है कुछ है? हम जो है सुना है, आज 8 दिन से बैठे हैं और जो है ये कि हमें परमिशन हमारा बन जाए तो जो है कोई साधन से अपना निकल जाए, तो साधन जो है परमिशन नहीं बनता। बैठे बैठे उब गए, भोजने को अब तबाह हो गए, तब जो है वहाँ से तो दावा कर रही है सबको मुहैया कराई सभी सुविधा। सरकार के बारे में अब क्या कहना है भाई, सरकार जो है गरीबों को कोई सुनाई नहीं करेगा। गरीबों की कोई सुनाई नहीं होगी सरकार के तरफ से। हाँ, गरीबों को मार रहा है पैदल चला चला करके। अच्छा, सरकार का दावा है कि वो जो है सब कुछ मुहैया करा रही है, पैदल चल रहे हैं। आपको कोई खाना वाना मिला, कुछ सुविधा? खाना वाना मिला है, एक गाड़ी वाला जो है बेचारा गया जो है, तो फिर आया तो रुका के फिर खाना वाना दिया है। हाँ, आपका नाम चाचा? कहाँ से आ रहे हैं आप? साथ में ही सब एक ही जगह से आ रहे हैं? ये तो आपको कोई सुविधा नहीं मिली? अब कौन सुविधा हमको दिया है? अब देखो परेशान हैं, पैदल चलते हैं। हाँ, जित कूट हमें जाना है। अभी ये क्या सरकार इसकी बनेगी दोबारा? अब नहीं बनेगी इसकी सरकार। आपको कहीं टेस्ट वगैरह हुआ है कहीं? उनको सर पानी दिया जाता और स्थानीय जगहों पर उनका क्वारंटीन कराया जाता। जो जिंदगी की मशक्कत कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं जिनकी रोटी से दो चार हो रहा है, प्याज भूखता हम और जत्थों के तंग छोटे बच्चे हैं। स्थानीय जगह क्वारंटीन होता तो कोई इतनी परेशानी नहीं आती, कोई भावनात्मक तरीके से दुखी नहीं होता और सरकार का भी सहयोग मानते। अभी क्या लगता है मजदूरों को देखकर लगातार पैदल चल रहे हैं? अभी मजदूरों को देख के ऐसा लगता है सर कि ये बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे, अगर सरकार की मदद ना मिली, सरकार बस के साथ साथ अगर चलने वाले ट्रैफिक से सहायता ना करी जाए तो बस इत्यादि ट्रक इत्यादियों से पुलिस प्रशासन मदद करो, बैठाए उनको। तो शरीर इतने जर्जर की अवस्था में है, कोई पानी पी कर चल रहा है, कोई खीरे खा गए, कोई रोटी खा गए, मतलब जन सहयोग के ऊपर है। अब तो जैसे त्योहारों पे जन सहयोग लंगारे भंडारे पे लोग उतर आते हैं, इस टाइम इंसानियत को इंसानियत की जरूरत है, अब नहीं आ रहे निकल के। डर रहे हैं प्रशासन से क्योंकि ये ऐसी बीमारी चली है महामारी के, लोगों को घर लेके नहीं जा सकते, रास्ते में मदद नहीं कर सकते, डरे हुए हैं। डर से अगर उभारने का संदेश मिल जाए तो बहुत सपोर्ट मिलेगा।